हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर क्षेत्र में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित हुए। भाजपा, कांग्रेस, बसपा आदि राजनीतिक दलों के साथ विभिन्न संगठनों ने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान पर चर्चा की। वहीं नगर के वार्ड नंबर 1 स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में अंबेडकर जन सेवा समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे गणमान्यों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। आपको बता दें कि लालकुआं के वार्ड नंबर 1 स्थित अंबेडकर पार्क में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अंबेडकर जन सेवा समिति के अध्यक्ष मेकू लाल की मौजूदगी में कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें पहुंचे क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन एक संघर्ष का इतिहास रहा है। आज़ादी से पहले देश में व्याप्त ऊंच नीच के भेदभाव, छुआछूत जैसी कुरीतियों का खात्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निर्देशन में बताए गए संविधान ने किया। उन्होंने कहा कि कभी भी भेदभाव होते देखें तो उसे रोकें, किसी के साथ अन्याय न होने दें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संपूर्ण जीवन शोषित वंचित समाज के लिए न्यौछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि हम सभी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों को जीवन में उतारना चाहिए और उनके पदचिन्हों पर ही चलना चाहिए, तभी विकास संभव होगा और हम सभी को उनकी अपेक्षा के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। वहीं आयोजित कार्यक्रम में मुख्य रूप से व्यापार मंडल अध्यक्ष दीवान सिंह बिष्ट, सुरेंद्र लौटनी, संजीव शर्मा, नारायण सिंह बिष्ट, राजीव मोहन बिरखानी, तारा पांडे, राजलक्ष्मी पाडंत, मुकेश कुमार, उदयवीर सिंह, अरविंद कुमार उर्फ अन्नू, संप्रिय बौद्ध, अरविंद बौद्ध, उमेश कुमार, सुनील कुमार समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। लालकुआं से हमारे संवाददाता स्पर्श अग्रवाल की रिपोर्ट। आज पूजनीय है बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, इसको लालकुआं नहीं है, पूरे भारत में मनाया जा रहा है, भारत के अलावा पूरे देश में मनाया जा रहा है, क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान की रचना की थी उसमें सबको, दलितों को, सबको जो है एक साथ लिया था, इसलिए आज उनकी जयंती हर घर में, हर कोने में मनाई जा रही है। यहाँ लालकुए में भी 3 बार मनाई गई, इसी में 3 बार जयंती मनाई गई। तो आप देखें कि बाबा साहब जैसा आदमी, बाबा साहब जैसा है कि 3-4 बार जयंती मनाई जा रही है और घर घर मनाई जा रही है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हमारे देश के संविधान निर्माता और हमारे, क्योंकि आज हम 132वीं जन्मतिथि मना रहे हैं, ऐसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज सभी स्थानों पर कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी क्रम में अपने अंबेडकर पार्क लालकुआ में भी हमारे पूर्व पालिका अध्यक्ष आदरणीय नकुलाल जी द्वारा कार्यक्रम किया गया है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं और रंगारंग कार्यक्रम, इसके साथ बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर बच्चों ने किए हैं। मैं सबको बाबा साहेब के जन्मदिन की बहुत बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए ये कहना चाहता हूँ कि उनके दिखाए हुए मार्ग पर, उनके बताए हुए मार्ग पर सामाजिक भेदभाव और छुआछूत को खत्म करते हुए हम लोग सर्वांगीण विकास की अवधारणा पर आगे बढ़ेंगे, तो यही उनको, उनकी पुण्यतिथि पर एक सच्ची हमारे लिए शपथ होगी, हमारे लिए प्रेरणा होगी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।